एक गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। उसके दो बच्चे थे, लड़की का नाम सीमा और लड़के का नाम चिंटू था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसकी माँ सब्जी बेचकर उनकी घर चलाई करती थी। बेचारी जितनी सब्जी बेचती उतने में उसका घर का सामान ही आता था। बेचारी का सब्जी भी अच्छे तरीके से नहीं बिक पाता था। कमला सब्जी बेचकर अपने जीवन को काटती थी और जल्द ही दिवाली भी आने वाली थी, वह सब्जी लेकर घर चली जाती है। एक दिन उसकी बेटी अपने माँ से बोली, अरे माँ, मुझे भी कल से सब्जी बेचने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी माँ उसको हाँ कर देती है। बेचारी सुबह ही उठकर अपनी माँ के ठेले लेकर सब्जियाँ बेचने चली जाती है और सीमा बाजार में जाकर अपनी दुकान को लगा देती है। अरे यार, मेरी सब्जियाँ तो बिक ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ? चलो मैं अपने घर चली जाती हूँ, शाम भी हो गई है। बेचारी सीमा उदास होकर अपने घर को निकल जाती है। सीमा घर जाकर अपने माँ को बोलती है, अरे देखो ना, मैं आज भी बाजार गई थी, हमारी एक भी सब्जियाँ बिक ही नहीं रही है, दिवाली भी नजदीक आ गई है, मेरे को नए देखकर कोई भी मेरा सब्जी खरीद नहीं रहा है। अभी उसकी माँ उसको बोलती है, अरे बेटी तुम इतनी उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपनी सब्जी बाजार बेचो तो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सही के लिए होगा, तुम्हारी सारी सब्जियाँ बिक जाएंगी, क्या पता कल हमारी सारी सब्जियाँ बिक जाएंगी, तुम हिम्मत मत हारो, चले जाओ। बेचारी सीमा अपनी माँ का बात सुनकर फिर से वह सब्जी बेचने के लिए चली जाती है और जब वह बाजार सब्जी लेकर जाती है तभी उसका भाई उसके पीछे पीछे चले आता है और वह भागते भागते अपनी बहन के पास जाकर उसको बोलता है, अरे दीदी कल तो दिवाली है, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, प्लीज मुझे कपड़े दिला देना, और मेरे पास पटाखा भी नहीं है, प्लीज पटाखा भी लेते आना और हमारे लिए मिठाई भी लेते आना, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास काफी अच्छी अच्छी कपड़े और मेरे पास नहीं है। अरे चिंटू तू जा, मैं तेरे लिए सारी चीजें लेकर चली आऊंगी। तभी उसका भाई वहाँ से चले जाता है। उस दिन सीमा बहुत जोर जोर से अपनी सब्जी को बेचती है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी ले लो, और ये आवाज सुनकर काफी सारे वहाँ पे लोग चले आते हैं और उसकी सब्जी को लेने लगते हैं। अरे बेटी जल्दी से 1 किलो सब्जी दे दो, मुझको घर भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को सब्जी दे देती हूँ। अरे बहन मुझे भी जल्दी से सब्जी दे दो, और उसकी जल्दी जल्दी सब्जियाँ बिकने लगती है और सीमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मेरी काफी सारी सब्जी बिक रही है, लगता है कि मैं अपने भाई के लिए सारे सामान लेकर चली जाऊंगी। सब्जी ले लो, सब्जी जल्दी से सब्जी ले लो। और तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और उसके सामने ही रोने लगता है और सीमा उसको देखकर काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और इधर उधर देखकर उस बच्चे को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। और जब वह बच्चा उसके पास आता है उसको टेबल पे उसको बैठा देती है और तभी उसके पिताजी उसके पीछे पीछे चले आते हैं और उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सीमा को बोलते हैं, अरे वाह बेटी तूने तो कमाल ही कर दिया, मेरे बेटे को तुम अपने पास बैठा ली, नहीं तो न जाने ये कहाँ कहाँ चले जाता। अरे बेटी तू कौन सा काम करती है, तू सब्जी बेचती है क्या? अरे हाँ अंकल, मैं सब्जी बेचती हूँ। और उसकी यह सब बात सुनकर वह आदमी बोलता है, अरे बेटी तू चिंता मत लो, मेरा बगल में बहुत बड़ा दुकान है, तुम उसमें काम करने चले आना और तुमको काफी अच्छे पैसे भी देता हूँ, ठीक है बेटी मैं भी चलता हूँ। और सीमा यह सब सुनकर काफी खुश हो जाती है और वहाँ से वे सब चले जाते हैं और सीमा अपने भाई के लिए बहुत सारे कपड़े और मिठाइयाँ लेकर चली जाती है और काफी सारे पटाखे भी ले लेती है। और सीमा घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है और यह सब सुनकर उसकी माँ और उसके भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे माँ कल दिवाली है, चलो जल्दी से सजाते हैं घर को। और दिवाली वाले दिन काफी खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। इसीलिए दोस्तों ईमानदारी से किया गया काम बहुत अच्छा ही होता है। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।